हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। देखो यार, दो चीज मुझसे कभी एक्सपेक्ट मत करना। पहले तो मैं फैंस लोग को या पब्लिक को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलता कि यार ये मूवी ऐसी है, ये ट्रेलर ऐसा है, ये वेब सीरीज ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा, मैं कभी भी पेड रिव्यू नहीं करता हूँ। चलो आज हम लोग बात करेंगे राधे श्याम के ट्रेलर के लिए। देखो यार, ये उन प्रभास की मूवीज में से एक है। मैं यहाँ पर आदि पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर राधे श्याम की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं कभी भी एक्साइटेड नहीं था। और आज भी जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मैं एक ही चीज़ बोलूंगा कि शायद मैं एक अकेला ऐसा बंदा होगा जो जिसको ये ट्रेलर अच्छा लगा है, लेकिन फिर भी ये मूवी फ्लॉप होगी, ऐसा मैं कह रहा हूँ। देखो अब भी डायरेक्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे मेन रीजन प्रभास खुद ही है। देखो प्रभास की जो बॉडी है, जिस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी है, आज की तारीख में उसको लव स्टोरी नहीं करना चाहिए। सिंपल सा एग्जाम्पल ये कि टाइटैनिक मूवी आपने देखी थी जो कई साल पहले रिलीज हुई थी, तो उस मूवी में वो एक अच्छी लव स्टोरी थी, लेकिन उसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो था जो कि यंग था, मतलब काफी जवान थे। अब उसकी जगह पर अगर ड्वेन जॉनसन होता, आज का ड्वेन जॉनसन मसल मैन, तो क्या वो मूवी में वो जो लव स्टोरी वाली वाइब से वो आती, वो मूवी वैसी होती जो ऐसी है? नहीं ना। तो वैसे ही राधे श्याम की जो कहानी है, चलो हटके अलग है, अच्छी लग रही है, ये अच्छी लव स्टोरी है, जो कि काफी टाइम ऐसा हो गया जो हम हटके अलग लव स्टोरी नहीं देखे। लेकिन प्रभास जैसे बंदे को ऐसी मूवी साइन नहीं करना चाहिए था। मानता हूँ ट्रेलर काफी कुछ मिस्ट्री पीछे छोड़ता है कि हाँ भाई, उन लोगों ने पूरे पत्ते नहीं खोले, लेकिन फिर भी बैड कास्टिंग में बोलूंगा। और दूसरा, प्रभास जो डायलॉग बोल रहे, ऐसे लग रहा है कि नाना पाटेकर कोई लव वाले डायलॉग बोल रहे। हालांकि नाना पाटेकर हमेशा गुस्से में बात करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नाना पाटेकर इस बार प्यार का इजहार कर रहा है। बिल्कुल प्रभास की वॉइस हिंदी में ऐसी लग रही है, जो कि फिर से बोल रहा, बहुत ज्यादा पैथेटिक लग रही है। भाई शरद, जिन्होंने बाहुबली में डबिंग की थी, शायद उनको बोल देते तो भाई वो उनके लिए डबिंग कर देते। प्रभास को क्या जरूरत है डबिंग करने की? और मैं इतना ही बोलूँ कि यार ट्रेलर अच्छा है, विजुअली काफी अच्छा है, कुछ अलग करने की कोशिश की है, मगर प्रभास की वजह से ये मूवी फ्लॉप होगी। और सेकेंड, अगर इसकी कहानी अच्छी नहीं हुई तो फिर डेफिनेटली ये फ्लॉप होना है। फिलहाल तो राधे श्याम से जो एक्सपेक्टेशन मेरी जीरो थी, वो अब -0 में हो गई है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि कौन लोग 97 किसेस देखने जाएंगे और कौन लोग प्रभास को लव स्टोरी में देखना पसंद करेंगे, आई डोंट नो। मगर मेरे हिसाब से अगर प्रभास आदि पुरुष जैसी मूवी या बाहुबली जैसे एक्शन मूवी या मतलब एक्शन मूवी करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लव स्टोरी के लिए मेरे ख्याल से तो प्रभास नहीं है। बाकी अगर आपको राधे श्याम का ट्रेलर अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात। और आपको क्या लगता है, राधे श्याम चलेगी? डिपेंड करता है स्टोरी पर, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेलर देखकर तो मुझे एक ऑर्डिनरी लव स्टोरी लग रही है। बस उसमें साईफाई का तड़का लगाया और कुछ नहीं, और बाद में वही जो सीपी डूब रही है वो तो हमने बहुत बार देखा है। तो मेरे हिसाब से तो भाई, मेरे तो ना है भाई, नहीं चले, मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगी। लेकिन आपको लगता है तो कमेंट से जरूर बताना। बस वीडियो में इतना ही, जमकर गाली तो चलेगा, लेकिन याद रखना जब फ्लॉप होगी तो फिर मेरा वीडियो बहुत ही धमाकेदार आने वाला है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।